बजरंगी हत्याकांड में नया खुलासा सामने आया है। यह वो दो फोटो हैं। इन फोटो पर हम उठाएंगे सवाल कि यह हत्या है या साजिश। पहली तस्वीर में मुन्ना बजरंगी के सीने के बीचों बीच बनियान के ऊपर से गोली मारी गई लग रही है, लेकिन शरीर में कहीं और गोली का निशान नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर में सीने के बीचों बीच मारी गई गोली का निशान तो है ही, इसके अलावा सीने के बगल में भी गोली मारने के दो निशान दिख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद साफ लग रहा है कि पहली तस्वीर खींचने के बाद मुन्ना बजरंगी को कम से कम 3 गोलियां और मारी गई। इसके बाद फिर से दूसरी तस्वीर क्लिक की गई। दूसरी तस्वीर में दिख रही गोलियों के निशान से यह भी साफ लग रहा है कि बाद में मारी गई गोलियां मुन्ना बजरंगी के सीने से बिल्कुल सटाकर मारी गई, क्योंकि नज़दीक से चलाई गोली से निकला बारूद मरने वाले के शरीर पर साफ दिख रहा है। ऐसा तभी होता है जब गोली ज़्यादा से ज़्यादा आधा फिट की दूरी से चलाई गई हो, यानी कि पहले मुन्ना बजरंगी के गोली मारी गई, फोटो खींची गई, इसके बाद मौत को पुख्ता करने के लिए फिर से कम 3 गोलियां मारी गई और फिर से तस्वीर खींची गई। यह दोनों तस्वीरें मुन्ना बजरंगी की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। पहली तस्वीर क्यों खींची गई? हत्या के बाद लाश की फोटो खींचने का क्या मकसद था? क्या मुन्ना बजरंगी की लाश की पहली फोटो हत्यारे ने ही खींची या कोई और था? क्या हत्यारे ने जिसे पहली तस्वीर भेजी उसने मुन्ना बजरंगी को और गोलियां मारने का आदेश दिया था?